अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असरा खालिद और आप देख रहे हैं लाइव रिकॉल विद एके यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुशबाश हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं और मामा निकले हैं वॉक पे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी तो सर्दियों में बाहर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हमने वॉक एंड टॉक नहीं किया, तो चलते हैं बाहर। तो हम बाहर आ गए, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़े का मौसम है, लेकिन मज़ा ठंडा है लेकिन मज़ा आ रहा है वॉक करने का। तो सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहूँगी उन सब लोगों को जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं। और मुझे पता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं मुझसे बार बार कि आप कहाँ से हैं। भई हम हैं अमेरिका से, नॉर्थ कैरोलिना से हैं हम, और पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हम हैं लाहौर से, तो हम लाहौरी हैं। और आप लोग भी मुझे बताते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं। आज जो है ना, मैंने मुबारकबाद देनी है किसी को शादी की। आप सबको पता है कि किचन विद आमना की शादी हो रही है लाइफ विद उमेर के साथ, तो भाई उनकी काफ़ी तैयारियाँ हो रही हैं और वो किचन विद आमना काफ़ी अपनी शादी की शॉपिंग शेयर कर रही हैं। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी है। तो आप दोनों को शादी मुबारक हो और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और खुशियाँ दे, आमीन। तो उमेर, लाइफ विद उमेर ने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें उन्होंने टाइटल दिया था कि वेडिंग ओपन इनविटेशन। तो मैंने वो वीडियो देखी थी तो आई वॉज लाइक कि वाह, सबको शादी पे बुला रहे हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद पता चला कि उन्होंने बोला है कि जो उनको बताएगा, सजेशन देगा कि वो अपनी शादी के कपड़े कहाँ से लें उमेर को, लाइक वो शेरवानी कहाँ से लें और मेहंदी के कपड़े कहाँ से लें, तो वो उनको ना इनवाइट करेंगे तीन लोगों को जिनका आइडिया या जिनकी सजेशन जो है ना उनको अच्छी लगे। तो भई आप लोग जाएं और उनको सजेशन दें, और मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे उनको सजेशन दे देती हूँ। तो भई जब हम पाकिस्तान गए थे, मेरी बहन की शादी थी तो हम पाकिस्तान गए थे शॉपिंग करने, तो मैंने और मामा ने बहुत ही ज़्यादा जगहों पे विज़िट किया था, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लाइक अगर किसी को पता चल जाता है कि आप बाहर से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, तो वो उनकी जो प्राइजेस होती है ना वो हाई हो जाती हैं, और फिर वो ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि वाह आप तो अमेरिका में हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। भाई हर कोई मेहनत करता है, अमेरिका में भी सब मेहनत ही कर रहे होते हैं। तो खैर, काफ़ी मेहनत के बाद हमें माल जो है पैनोरामा के ऑपोजिट मॉल पे हमें एक शॉप मिली थी, वहाँ से हमने अपने ब्रदर इन लॉ की शेरवानी ली थी। वो भाई बहुत अच्छी है, उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छे से डीलिंग करते हैं, और चीज़ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी मुनासिब है। तो हमने उनसे शेरवानी ली थी, और फिर जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो तब भी हमने उनसे ही भाई की शेरवानी भी ले ली थी। और सिस्टर की शादी की शॉपिंग के लिए हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी थी, लोगों को ढूंढा था अच्छे अच्छे लोगों को जिनकी प्राइस भी मुनासिब हो, काम भी अच्छा हो। लेकिन भाई की शादी के पे हम उन सबके एड्रेस रख लिए थे अपने पास संभाल के, और वहीं से यहीं से हमने उनको ऑर्डर कर दिए थे और उन्होंने तैयार कर दिया था। अगर आप चाहते कि मैं इस पे और बात करूं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगी सारी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बताने के लिए। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।